दीदी है। फातिमा जालू का सालन बनाना है। फातिमा इधर रखो चार पाई पर। इधर नहीं, हमने इधर बैठ के बनानी सब्जी। इधर रखो, इधर रखना है, बोल उधर रखे चाहे। चलो ठीक है। फातिमा क्या कह रही थी, आलू आपको बड़े चंगे लगते ने? अच्छा, फातिमा नु आलू बड़े पसंद ने। आज आलू का सालन बनाऊ रे? ठीक है। फातिमा डब्बा नीचे गिरा दिया है, चलो इसको उठाकर टोकरी में रखो। रखो रखो, चलो जोड़ के रखो ऐसे। अब वो हल्दी वाला भी उठाओ, सीधा करो ऐसे। चलो रखो, हल्दी कौनी है? हल्दी बाद में देख लेना। चलो ले चलो, लेट हो रहा, जल्दी करो जल्दी। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहें। जो भी कोई परेशान हो, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं, अल्लाह पाक सबको औलाद नरीना से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो जी माशाल्लाह से आज जुमातुल मुबारक का दिन है, आप सबको मेरी तरफ से ये बाबरकत दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अभी शाम का टाइम है, सूरज जाना गुरूब होने वाला है, और अम्मी जी बना रही हैं आज आलूओं का सालन। आज सालन मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि भाई जो है ना वो अपनी दवाई लेने गए हुए हैं, उनको दिन से दर्द में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वो वीडियो बनाने वाले नहीं हैं। तो आज अम्मी जी सालन बनाएंगी और मैं उनकी वीडियो बनाऊंगी, और फातिमा जो है ना वो अम्मी जी की हेल्प करेगी। हेलो फातिमा, क्या कर रही हो? फातिमा फातिमा शीशों वाले कपड़े पहनने दिखाओ तो सही। फातिमा के कितने प्यारे कपड़े हैं। फातिमा आपके और मेरे एक जैसे है ना, आपका भी लाल और काला, मेरा भी लाल और काला, ठीक है ना? ये कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, फातिमा को भी बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ जी, अभी अम्मी जी आलू काट रही हैं, ये बाकी सारा मसाला छील लिया है, फिर इनको धोएंगी, फिर हम बनाएंगे सालन। आपने छुपाए हुए ऐसे करो ना, ये देखो ये शीशे। और माशाल्लाह से किचन में भी लकड़ियां रख ली हैं, और ये नमक मिर्च वाले डिब्बे भी, फिर हम बनाते हैं सालन। और मुर्गी भी आ गई है, जब भी खाने का टाइम होता है तो ये भी इधर आ जाती, क्योंकि बेचारी एक ही है तो फिर हमारे साथ साथ ही रहती है, कोई इसका साथी नहीं है ना दूसरा, इस वजह से। फातिमा क्या लेके आ रही हो? बाल्टी का थूम। ये थूम है और ये बाल्टी है की वाली, सही है, ले चलो। और माशाल्लाह से मैंने इधर निकाल ली है सारी चार पाइयां, पंखा भी रख लिया है। अभी अम्मी जी बना लेंगी खाना, और आज हमारी ये मट्टी भी बनी पड़ी है। आज भाई उधर ना जाते दवाई लेने के लिए, तो फिर अम्मी जी ने ये मट्टी लगानी थी और मैंने बनाना था खाना, तो आज रात होगी भाई की तबीयत की वजह से, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब होगी इस वजह से। और ये कुछ मट्टी पड़ी है, ये भाई ने बनाई है, सुबह भी इसमें पानी डाला था और अभी भी पानी डालकर इसको सही तरीके से बना लिया है। और अभी ये जो हमारी दीवार है ना, इसकी भी थोड़ी सी सेटिंग की है भाई ने। हाँ जी, मैं मिर्च रखने जाती थी। ठीक है रखाओ। ये दीवार जो है ना इधर से सही नहीं थी, थोड़ी सी टूटी हुई थी, तो भाई ने सुबह सुबह इधर जब छांव होती है तो फिर भाई ने इधर ये मट्टी लगाई है, ऊपर से इसकी लिपाई करनी थी हमने, लेकिन फिर आज नहीं हो सकी, कल इंशाल्लाह सुबह सुबह ये हम काम करेंगे। ये अंदर से भी ख़राब थी तो इधर सारी मट्टी लगा दी, पहले ये ऐसे लगाई है ऊपर, अब ये जो बनी पड़ी है तूड़ी वाली, इसमें तूड़ी डाली हुई है, इसकी लिपाई हो जाएगी ना तो फिर ये बहुत ही बेहतर लगेगी, दीवार खूबसूरत हो जाएगी। दो यार से बना ली है, गंडा कट दी पई है। हाँ जी, कला
हेलो फातिमा, क्या लेके आ रही हो? थोड़ी तो चमची। ये लोहे का कड़ा लेके आ रही हो? और फातिमा का मुंह देखे। फातिमा ये क्या लगाया हुआ है? कालक लग गई है। चलो कोई नहीं, नजर नहीं होगी फातिमा को, है ना? चलो ले जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अभी अम्मी जी जला रही हैं आग। तो जी अम्मी जी ने इधर ही पानी ले लिया, इधर सारा कुछ धो लेंगी। ये देचकी में पानी पड़ा है, पहले ये देचकी धो रही है जिसमें हमने बनाना है सालन। और अभी धो रही है प्याज। और माशाल्लाह से प्याज डाल दिए देचकी में। और अभी अम्मी जी डाल दिए घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि माशाल्लाह से आग जल चुकी है, देचकी को हम ऊपर रख देते हैं, दूसरी चीजें बाद में धो लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देचकी ऊपर रख दिए, प्लेट अम्मी जी दे दे, प्याज ब्राउन हो जाएंगे। तो जी माशाल्लाह से अभी अम्मी जी ने मसाला भी धो लिया है। अभी दोरी में डाल देंगे, इसको कूटना है। अदरक और सब्ज मिर्चे और ये साथ में लहसुन भी। तो जी अभी फातिमा जाना झाड़ू लगा रही है। इधर हमने सुबह मट्टी लगाई थी तो वो नीचे गिरी हुई है, अभी ये सफाई कर रही है। क्या कर रही है फातिमा? सफाई कर रही है। चलो हो गई सफाई, अब रख दो झाड़ू। मिट्टी नहीं लेंदी। अच्छा रेंदी है जे। चलो तो जी माशाल्लाह से भी प्याज हो गए हैं तैयार। अम्मी जी इसमें डालने लगी है दूसरा मसाला जो हमने दोरी में काटा है। ये प्याज भी अम्मी जी ने इसी में काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा क्या कर रही है? साबुन लाल धो लेंगे पैर। अच्छा साबुन के साथ पैर धो रही फातिमा? हाँ जी सही है। फातिमा भाई अपनी बहुत हिफाजत रखती है, बार बार आ जाती है। ये टप हम भर के रखते हैं, सारा दिन फातिमा इसको खराब करती रहती है। हाथ मुँह जो ना ऐसे नहीं धोती, कहती मैंने साबुन के साथ धोने। और ये फातिमा ने जूता नया लिया। फातिमा दिखाओ, नीचे रख के नीचे पैर धो के पहन के फिर दिखाना आंटी को, ठीक है? ये देखो। नहीं नहीं खड़ी हो के पहले आप मुंह भी धो लो, हाथ भी धो लो, फिर दिखाना। मामू दवाई लेके आ गया, मैं उन्हें चलाना दे के आंटी बनी। फातिमा मामू से पूछो आराम आ गया? मामू को आराम से बैठने दो, वो दवाई लेके आए हैं अभी। चल सर नु दबा मामू ने। फातिमा अबू जो है ना अपने मामू के साथ खेल रही है, उसकी तबीयत भी सही नहीं है। फातिमा आराम से बैठ जाओ मामू के पास और मामू का सर दबाओ। मामू के सर में दर्द है, ये लेके देते ऐसे। फातिमा बड़ी सियाणी बच्ची है। तो जी अभी अम्मी जी डाल रही हैं सब्ज धनिया, आज माशाल्लाह से मिल गई हैं। ये सालन में हो तो सालन फिर बहुत ही अच्छा लगता है और खूबसूरत भी लगता है, और धनिया जो है ना अच्छी भी होती हैं सेहत के लिए भी। आज मिली हैं, पहले तो इधर मिलती ही नहीं थी। अम्मी जी ने आलू भी डाल दिए हैं और ये पानी भी, ये इसमें गल भी जाएंगी और थोड़ा सा शोरबा भी बन जाएगा। फातिमा पानी किसको देना है? मामू को। अच्छा मामू ने पानी देना है, ठीक है पा दे मामू।
चलो मैंने पकड़ लिया। फातिमा भाई आजाद अपने मामू का बहुत ख्याल रख रही है, वो बीमार हैं तो उनको पानी दे रही है, कभी तकिया ला के दे रही है। तो जी माशाल्लाह से आज के जो हमारे बहन भाइयों के कमेंट हैं वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो जी सबसे पहले हमारे एक भाई हैं राशिद भाई, और एक और भाई हैं मानिश कुमार, और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं सिस्टर शगुफ्ता। उन सब ने कहा है कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। आओ फातिमा उनके लिए दुआ करें, भाइयों के लिए और बहन के लिए। बोलो अल्लाह ताला, बोलो फातिमा, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे और परेशानियां दूर करे। परेशानियां दूर करे, पता नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं, अब क्या दो, परेशानियां दूर करे, परेशानियां दूर करे। आमीन आमीन सुमा आमीन। चलो ऐसे कर लो। तो जी इसके बाद एक और हमारे भाई हैं मुईज़ मज़र, उन्होंने कहा है कि मेरे अम्मी और अबू के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे और उनको हमेशा खुश रखे। आओ फातिमा दुआ करें आंटी और अंकल के लिए। बोलो अल्लाह ताला, फातिमा अल्लाह ताला उनको खुश रखे, खुश रखे, लंबी जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे और परेशानियां दूर करे, परेशानियां दूर करे। आमीन। बोलो फातिमा आमीन आमीन सुमा आमीन आमीन। तो जी इसके बाद एक और हमारे भाई हैं, उनकी आईडी का नाम है राजा अहमद, उन्होंने कहा है कि मेरे भाई की शादी है, उनके लिए दुआ करें कि उनकी शादी खैर खैरियत से हो जाए। चलो फातिमा उन भाई के लिए दुआ करें। बोलो अल्लाह ताला, मैं इधर दुआ ही लगाऊंगी सही हो जाएगा। चलो दुआ करो। बोलो अल्लाह ताला, अल्लाह ताला भाई की शादी खैर खैरियत से हो जाए, खैर से हो जाए, खैर से तो आता है फातिमा आपको। बोलो अल्लाह ताला उनकी शादी खैर से करे, खैर से करे और उनको हमेशा खुश रखे। बोलो फातिमा हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन सुमा आमीन। चलो ऐसे कर लो। तो जी इसके बाद एक हमारी प्यारी सी आंटी है नजमा बेगम, फातिमा उनको सलाम करो। आंटी कह रही है अगर मैं आपके पास होती तो फातिमा से जरूर मिलती। चलो आंटी को सलाम करो। अल्लाह ताला दुआ नहीं करनी, पहले आंटी को सलाम करो, ऐसे वाला सलाम करो आंटी को। आंटी सलाम अल्लाह ताला आपके 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 लिए। हाँ जी आंटी से बोलो इंशाल्लाह आंटी हम एक दिन जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। चलो भाई फातिमा आप मुझे मिल रही है आंटी के हिस्से का। चलो ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो बैठो। अभी फातिमा आपने ना अपनी सारी आंटियों के लिए दुआ करनी है, ठीक है? जो जो हमको देखती हैं हमारी बहनें हैं या आंटियां उन सब के लिए दुआ करो, ऐसे करो। बोलो अल्लाह ताला, अल्लाह ताला मेरी आंटियों को खुश रखे, आंटियों को खुश रखे, आबाद रखे, आबाद रखे, परेशानियां दूर करे, परेशानियां दूर करे और हमेशा हंसता हुआ रखे। अल्लाह पाक उनको हंसता हुआ रखे। चलो आमीन आमीन सुमा आमीन। चलो ऐसे कर लो। तो जी प्यारे व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फातिमा अल्लाह हाफिज़ करो।